हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। अगर आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हो तो यूट्यूब से आपको एक चीज़ का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार रहता है, वो कौन सी है कि यूट्यूब से आपको पेमेंट आना कब स्टार्ट हो जाती है। तो यूट्यूब से पेमेंट ऐसे ही नहीं आ जाती है, उसके लिए आपको कुछ टास्क को कम्प्लीट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट टास्क होता है हर एक की लाइफ में कि 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वाचिंग आर का टास्क आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना होता है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपके घर पे एडसेंस का पिन आता है, पिन वेरीफाई करने के बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, और उसके बाद जो पेमेंट्स आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो मेरे चैनल का एडसेंस का पिन है वो आ चुका है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज हुए अब लोग 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो पिन इतना लेट क्यों आया। असल में इससे पहले भी पिन मेरे पास आ चुका था, बट मेरे पास टाइम नहीं था उसे रिसीव करने का, तो इस वजह से वो पिन वापस चला गया था। फिर मैंने उसके बाद रीसेंट किया, रीसेंट करने के बाद ये पिन अप्रोक्स मेरे पास 1 महीने पहले से आ चुका था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बना के बता पाऊँ कि इसको कैसे कैसे फिल करना है एक्सेट्रा। तो आज मेरे पास अभी टाइम मिला, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिल करते हैं। और इसको फिल करने के लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होती है, बिकॉज YouTube और AdSense कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, ताकि वो कुछ फ्रॉड्स को वहाँ से रिमूव कर पाए जो कि AdSense पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिल करते हैं, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा जो पिन, अब यहाँ पे लिखा हुआ गूगल एडसेंस, और यहाँ पे पीछे आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिससे आप लोग इसे ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका पिन कहाँ पर पहुँचा है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए अब इसे हम लोग करते हैं रिमूव। तो रिमूव करने के लिए आपको इसे तीनों तरफ से ऐसे फाड़ना पड़ेगा, एक साइड, और इसकी हमें यह सेकेंड साइड भी रिमूव करनी पड़ेगी। इसके अंदर ही जो पिन होता है वही पिन हमें जाके अपने एडसेंस में फिल करना होता है। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये हो चुका फाइनली कट, और उसके बाद हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमें गोपनीय पिन, जो कि मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, छोड़ो दिखाना क्या ही है, बट हाँ मैं आपको यहाँ पे कुछ ब्लर करके दिखा दूंगा कि किस तरीके का ये पिन होता है। यहाँ पे आपको पिन देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपने फिल करना है एडसेंस में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेना है, साइन इन करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आएगा वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे 6 डिजिट का पिन भरना पड़ेगा। अब ये वाला पिन आपको भरना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पे मिला हुआ है। तो चलिए पिन को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो आपको देखो एड्रेस वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद आप देखोगे आपकी जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग अपना पिन भर के अपनी जो एड्रेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपने ऐड करना है अपना बैंक अकाउंट, तो चलिए दिखाता हूँ अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट इन्फो में जाना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑन द बैंक अकाउंट, तो ये नेम आपको बताना है आपका नाम क्या है। चलिए हम लोग नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं। बैंक का नाम आपको बताना है, बैंक आपकी कौन सी है। मैं यहाँ पे Kotak 811 का अकाउंट इस्तेमाल, आई आपको IFSC कोड डालना है यहाँ पे, तो चलिए IFSC कोड डाल देते हैं। फिलहाल मेरे पास अदर बैंक भी हैं, बट मैं ये वाली बैंक इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखते हैं इसमें आता है या फिर नहीं। और यहाँ पे आपको SWIFT BIC कोड डालना है, उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है Kotak 811 स्विफ्ट कोड, अपनी ब्रांच का नाम, जो भी आपके ब्रांच का नाम है, जैसे मेरे ब्रांच का नाम है मॉडल टाउन लुधियाना। ठीक है, तो इसको हम लोग एंटर करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपके ब्रांच का नाम भी आ जाएगा कौन सी ब्रांच है, और यहाँ पे आपका स्विफ्ट कोड होगा। तो स्विफ्ट कोड को आपने सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और आपको उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको हम यहाँ पे दोबारा डाल देते हैं 6413223258। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इंटरमीडिएट बैंक ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, और दैट्स इट, सेट योर प्राइमरी और इसको सेव कर दो।
अब यहाँ पे आपको देखो ये बैंक ट्रांसफर टू आपका बैंक अकाउंट 258 लास्ट में आ गया है। तो देखा कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अपना एड्रेस पिन वेरीफाई कर सकते हो, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आप सभी को जो स्विफ्ट कोड निकालना बता दिया, जो कि लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई स्विफ्ट कोड कहाँ से लें, लोग बैंकों में धक्के खाते हैं और वहाँ पे भी कुछ अच्छा रिप्लाई नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड निकाल सकते हो। ये सभी डिटेल भरने के बाद आपकी यूट्यूब की जितनी भी पेमेंट रहेगी वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आना स्टार्ट हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेश्चन कोरी या डिमांड है तो ना आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।